हमें सुन लो कि फिर ये फुर्सते सुनने सुनाने की रमा दरिया की लहरों की तरह कमजोर हाथों से फिसल कर गिरने वाली फिसल कर गिरने वाली है सबक आगोश नीले पानियों में बेदिशा होकर हमारी कश्तियां तैयार हैं, हमारी कश्तियां तैयार हैं और बात मानों पर बड़े ही अजनबी से सागरों की चंद अनजानी हवाएं अपने बोसे सर्प करती हमें जल्दी है जाने की हमें सुन लो कि फिर ये फुर्सतें शायद न हो सुनने सुनाने सामीन मोहतरम फोर्ट विलियम कॉलेज में एक ऐसा प्रोफेसर चाहिए था जो अरबी फारसी और अरुमे तरबिया में महारत रखता डॉक्टर सैमसन मौलाना जकाउल्ला के एक मुकदर से चित्रा वाकिल वो मौलाना को डॉक्टर जान मिल्क्राइज के पास ले गए और पहले तनहाई में उन्हें मौलाना के मुकदर से आगाह किया फिर मौलाना को बुलाया गया मौलाना आकर बैठे तो डॉक्टर ग्रीप्राश ने कहा जकाउल्ला साहिब हमने सुना है कि आप अरबी और फारसी जबानों में महारत रखते हैं और बड़े काबिल आदमी हैं डॉक्टर मौलाना ने कहा जनाब किसी साहिब का उसने जन होगा बंदा तो गेट मकान है खास खास तो इन जबानों में बस शुद्ध हो जाता है डॉक्टर दिलप्रास ने हैरान होकर डॉक्टर संसद की तरफ देखा डॉक्टर संसद ने निजात करते कहा जी ये बच्चे की लोग खुद सताई को बुरा समझते अपनी जबान से अपनी तारीफ नहीं करते बल्कि इनके सामने दूसरे इनकी तारीफ करते हैं तो उनकी तरजीह करना जरूरी समझते इस चीज को लेकर से नशी कहते हैं जहां डॉक्टर ने एक और जानदार जुमला कहा सर हियर यू इज शराब सर हियर यू इज शराब एंड आई इज शराब यानी जब मुखातिब की तारीफ करने लगे तो इतना मुबारा करते हैं तो उसे स्टार बना लें और अपने मुताबिक उस कहते हुए इतना मुहाकरा करते हैं खुद को खतों का शाक बना डॉक्टर गिरिराज ने कहा मतलब ये कि ये झूठ भी बोलते मदर का नहीं खुद सताई या अपनी तारीफ खुद करने के मुताबिक अंग्रेजों ने तो सिर्फ ये कहा कि सच प्रेज नो रिकमेंडेशन यानी अपनी तारीफ खुद करने से कोई इस्तेहकाक नहीं होता मगर हमारे यहाँ अपने मौलिया मृत्यु पर नाशा मुहावरा इस्तेमाल करके खुद सताई को बड़ा मजमून देखा सवाल पैदा होता है कि जब आदमी अपना तारुफ करवाने की सूरत हाल से दो चार हो क्या आप जानते हैं कि मैं आज इसी सूरत हाल से दो चार हूँ आपको मुझे स्टार बनाए कि मैं आपके लिए जू लेकिन क्या मेरे लिए जरूरी है कि मैं खुद को सटा बनाया स्वामी ने मुकदम सूफिया पर नजूले तजर्बिया के बाद ऐसे लम्हात आ जाते हैं कि वो खुद को बहुत आलाव अच्छा महसूस करने लगते इन लम्हात में उनके लबों से अपने मुताबिक कई मुबारक आमेर करवा निकल जाते हैं
ऐसे कलमात को सूफिया की इस्तेमाल में शक्लिया कहते हैं। ऐसे ही किसी जमा में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत बायजीद बुस्तामी ने कह दिया था, सुभानी वाल मशाला, मैं पाक हूं मेरी शान कितनी पुरानी। शाह वलियों का बड़े मोहताज आलिम और मोहताज सूफी, मगर उनसे कलम उनके कलम से भी ऐसे कलम निकलते रहे। उनके ये कलमात उनकी किताब तकीमात और किदारिया में जमा इन शतीरात में एक जुमला ये भी है कि दही जमाना मना मोदाए काम, यानी इस जमाना में मैं ही हूं जिसके साथ पूरे जहां पर फर्ज है, मगर ये शतीरात आनी और पानी होती। आइए सवाल का जवाब उस जाते अक्कर जो आदम से आदे करें जिसकी जिंदगी को खुदाए जो जलाल ने हमारे लिए उस्वा हसना ठहराया। पानी ने मोहतरम एक दफा एक नए मुसलमान भाई वाले साथी हुजूर से इजहार मोहब्बत कर रहे सबसे अकीदत पे उन्होंने आपको मुखातब करते हुए कह दिया, आपने फौरन से रोक पर फरमाया नहीं, मैं तो गरीब औरत का बेटा हूं जो ऊंचनी कर सूखा गोश्त खाया करती है। मैं अकाय कुल रही अब तो मैं तो मालिक कायनात का बंदा। बायजीद बुस्तामी के जुमला सुभानी वाल मशानी और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक्य के तनावुल में फारसी के मशहूर शायर कहानी ने कहा था, क्या मता गई यार बकुल के आजी मुशा कि इन्हीं अब्दुहु गोए बजाए फौज सुभान। सामीन मुकरम दुनिया में इंसान को खुदा ने जो अजमतें और रिफातें अता फरमाई हैं उनमें सबसे बड़ी अजमत और सबसे बड़ी रिफत शान नबूवत और रिसालत। और हुजूर ने कहा फरमाए या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीया, ऐ अल्लाह के नज़रे इंसानी मैं तुम तमाम के लिए अल्लाह का रसूल हूँ, मैं और सिर्फ मैं हाजिर सिर्फ मेरी इताअत में ही तुम सुंदरी दुनिया में और उखरा में सादत हासिल कर सकते हो। इन दोनों बातों को सामने रखें तो ये रहनुमाई देती है कि जो सिफत तुम में नहीं है ऐसी सिफत अपनी जात से मंसूब खोज करो न किसी को कर दो, और अल्लाह ने जो नेमत तुम पर इनाम फरमाई है उसे खुद भी ध्यान करो और दूसरों को भी ध्यान करने दो, इसी को तहजीब से नमन। इंटरमीडिएट जुमलों के बाद अब तकरीर के हवाले से कुछ अर्ज करूंगा। सुकरात ने कहा था और बिल्कुल बजा कहा था कि सवाल की उनकी बुनियाद है। कुछ बेखबर लोगों ने कह